बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुजम्मिल अवान हूँ। 9 मई के हवाले से बहुत अहम खबर आपसे डिस्कस करनी है। सानिया 9 मई जो हुआ उसके जो मरकज़ी किरदार थे, जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में फौजी अदालतों में जिनके ट्रायल की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि जी इनको सजाएँ दी जाएँ और इनको इबरत का निशान बना दिया जाए और मिसाल कायम कर दी जाए कि जो लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ललकारेंगे, उनके खिलाफ ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करेंगे या इस तरह की भोंडी साजिश करेंगे, उनको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। अब 9 मई के हवाले से जी ये खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 9 मई के हवाले से जी चलान पेश कर दिए गए हैं। इमरान खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, खतीजा शाह, सनम जावेद कसूरवार करार दिए गए। और अब ये जो चलान पेश हुए हैं जिन लोगों के नाम है, देखें अब तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या इमरान खान, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, क्या ये तमाम शख्सियात जो हैं वो इलेक्शन में कैसे, इमरान खान तो खैर डिसक्वालीफाई हैं, तो ये जो बाकी जो दीगर शख्सियात हैं ये इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करेंगी, ये जेल में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी या इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी, या हो सकता है कि इनके खिलाफ कोई ऐसा फैसला आ जाए कि इनको सज़ा हो जाए और ये डिसक्वालीफाई हो जाए। सर ये बहुत मुश्किल वक्त है, बड़ा कठिन मरहला है कि 9 मई के वाकयात में जो मुलव्वस लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिश रचाई और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की कोशिश की, एक तो वो कोशिश नाकाम हो गई और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट अपना मौका वाजे कर चुकी है कि 9 मई के जो किरदार हैं, जो सहूलतकार हैं, जिन जिन लोगों का इसमें हाथ था उनको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा, कानून के कटहरे में लाया जाएगा, चाहे वो सनम जावेद है, चाहे वो खतीजा शाह है, चाहे वो कोई भी है। अब खतीजा शाह चाहे जितनी ही मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, वो हमारी बहनों की तरह और हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो ये भी कहा जाए कि जी वो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवासी आसिफ नवाज जंजुआ की इस तरह की बातें की जाएँ और फिर कहा जाए कि जी वो उसको जी सज़ा नहीं मिल सकती, वो कानून से, वो आइन से बालातर है, तो सर सबको कानून जो है उसके मुताबिक ट्रीट किया जाना है, सब कानून के मुताबिक बराबर हैं, जिस जिसको सज़ा मिलनी है उसको आइन और कानून के मुताबिक मिलनी है, चाहे वो इमरान खान है, महमूद रशीद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, हमाद अज़हर हैं, कोई भी है, सबको आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी है, आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने हैं और फैसले भी अदालतों ने करने हैं। अब इसी तरह जी मैं आने जा रहा हूँ 9 मई के हवाले से ही जो कुछ चलान अभी सबमिट होने हैं, लेकिन इस हवाले से एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि पाकिस्तान की सहाफत में जनाब मुजीबुर्रहमान शमी साहब जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, पाकिस्तान की सहाफत की एक बहुत तवाना आवाज़ समझी जाती हैं, पाकिस्तान के एक बहुत मुमताज़ बड़े मुस्तनद सहाफ़ी कहलाते हैं, और अगर आप उनके कालम उठाकर देखें, उनकी तहरीर देखें, तो उसमें आप उनके अल्फाज की खूबसूरती देखें, उसकी शाइस्तगी देखें और आप उनके बोलने का अगर तलफ़ुज़ चेक करें तो आप यकीन करें कि उस्ताद मोहतरम मुजीबुर्रहमान शामी साहब जो हैं उनसे आप वैसे भी अगर आम रूटीन में भी मिलें ना तो वो बहुत अच्छे, बहुत शाइस्ता अंदाज में आपको मिलेंगे और वो बहुत एक शरीफुल नफ्स इंसान है, बहुत अच्छे एक तज़िया निगार भी हैं और वो हमेशा एक बैलेंस तज़िया करते हैं, वो किसी पार्टी की फेवर में बात नहीं करते, वो हमेशा बैलेंस तज़िया करते हैं और बेबाक और बेबाक तज़िये और बेबाक तबसरे होते हैं उनके। हम अक्सर उनको सुनते हैं रात के टाइम जो उनका प्रोग्राम लगता है नुक्ता नज़र, जिसमें वो सीनियर एंकर पर्सन अजमल जामी साहब के साथ बैठकर उसमें अपना तज़िया पेश करते हैं। तो इसी तरह जी सर जनाब मुजीबुर्रहमान शामी साहब जो हैं, उनसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हफीज़ुल्ला नियाज़ी साहब हैं वो भी हमारे उस्ताद हैं और इमरान खान साहब के टाइम में वो बड़े करीब रहे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ी आप समझ लें कि स्ट्रगल थी उनकी और पाकिस्तान की सहाफत में उनका एक बड़ा वसी तजर्बा है जनाब हफीज़ुल्ला नियाज़ी साहब का। तो हफीज़ुल्ला नियाज़ी साहब और मुजीबुर्रहमान शामी साहब ये दो शख्सियात हैं जिनको मैं पर्सनली लाइक करता हूँ, इनको मैं सुनता हूँ, इनके तज़िये सुनता हूँ, इनके तबसरे सुनता हूँ,
और मैं हमेशा जो है वो जर्नलिज्म में इनको अपना आइडियल समझता रहूँगा, क्यामत तक आइडियल समझूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उस्ताद जो होता है ना वो रूहानी बाप होता है। उस्ताद अगर डांट भी दे ना तो उस्ताद की डांट हमेशा काम आती है, उस्ताद तो रूहानी बाप है। आपने सहाफत में बड़े बड़े लोगों को देखा, मोहम्मद मालिक साहब हैं, नुसरत जावेद साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं। आप किसी की सहाफत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप इनकी जो जर्नलिज्म है, जो इनका जर्नलिस्टिक कैरियर है, शामी साहब हैं, जितने भी लोग हैं, हसन निसार साहब हैं, इन सब ने मेहनत तो की है, एफर्ट करके आए ना भाई। हमारे लिए तो उस्ताद का दर्जा रखते हैं। हम किसी के नज़रियात से, किसी की आइडियोलॉजी से, किसी के प्रिंसिपल से, जिस मर्ज़ी चीज़ से इख्तलाफ करें, लेकिन उनका अपना एक स्टांस तो है, एक नज़रिया तो है। उनकी जो है वो तहरीर उठा कर देख लें, उनके तजिए उठा कर देख लें, हमेशा उन्होंने जो है वो टू द पॉइंट बात की है। तो इसी तरह जी जनाब मुजीबुर्रहमान शामी साहब जो हैं, उन्होंने बैरिस्टर हसन नियाज़ी साहब से मुतल्लिक, बैरिस्टर हसन नियाज़ी साहब से मुतल्लिक जो एक ऑडियो की है उसके ऊपर मैं आने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हसन नियाज़ी साहब ने जो कुछ किया इसको ना तो किसी सूरत जस्टिफाई किया जा सकता है, ना ही इसको किसी सूरत जो है इसको फेवरिज्म में लाया जा सकता है, बल्कि ये एक इंतहाई आप समझ लें कि काबिल मुजम्मत वाकया था कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जो हसन नियाज़ी साहब हैं उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो हमने नहीं लगाए, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं लगाए। वो लगे तो उनके ऊपर इस बुनियाद पर लगे कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और कुछ ऐसे इल्ज़ामात थे जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पर उनको कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। अब इसी तरह जनाब मुजीबुर्रहमान शामी साहब जो हैं जी, उन्होंने एक ऑडियो मैसेज किया है और वो कहते हैं कि जनाब अस्सलामुअलैकुम, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे बैरिस्टर हसन नियाज़ी गिरफ़्तार हैं, लेकिन उनके वालदैन को उनसे मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा, वकील भी मुलाकात नहीं कर पा रहा, कुछ खबरें नहीं कि वो कहाँ हैं और किन हालात में हैं। तो ये ख़त हम चीफ जस्टिस साहब को लिखना चाहते हैं, आप बराहे करम इसे पढ़ लें और फिर आपसे गुजारिश होगी कि इस पे दस्तखत भी फरमा दें या अपनी राय से मुतला कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। मैं मुजीबुर्रहमान शामी अर्ज़ कर रहा हूँ, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं जी, उन्होंने तो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये चीज़ें शेयर की हैं। नियाज़ी साहब जो हैं, उनसे पहले मैं शामी साहब की बात कर रहा था, शामी साहब इसमें एक अपना जो है कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। देखें मुजीबुर्रहमान शामी साहब जो हैं वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के भाइयों की तरह भी हैं, उनके साथ उनका शफकत, उनका प्यार, उनका जो है वो आप समझ लें कि एक उनका ख़ानदानी रिश्ता भी है, एक फैमिली टर्म्स भी हैं। तो शामी साहब जो हैं वो बड़ी इज़्ज़त करते हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की, और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब बढ़कर इज़्ज़त करते हैं। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं, मैं उनको भी अपना आइडियल समझता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त मजबूर हूँ कि मैंने आपको बताया ना, जो उस्ताद होता है वो रूहानी बाप होता है। तो उस्ताद के आगे बंदा ना तो बहस कर सकता है, ना ही उस्ताद के आगे बंदा डिबेट कर सकता है, ना ही उस्ताद के आगे बंदा किसी के ऊपर तनकीद कर सकता है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि जो शामी साहब ने, जनाब मुजीबुर्रहमान शामी साहब ने इस हवाले से अपना जो किरदार अदा किया है वो काबिले तारीफ़ है, काबिले सताइश है। मैं चाहता हूँ, ठीक है आपको हसन नियाज़ी से 1000 इख्तलाफ है, मुझे है, किसी को भी है, लेकिन क्या इस चीज़ की कानून इजाज़त देता है कि आप किसी को उसकी फैमिली से ना मिलने दें, उसके वकला से ना मिलने दें, उसके जो है वो दोस्त अहबाब से ना मिलने दें? ये तो इजाज़त नहीं देता कानून। ये तो बात बिल्कुल ठीक की गई कि भाई आप उनको मिलने तो दें, आप उनको मुलाकात तो करने दें, उनके फैमिली के लोगों से, उनके अजीज़ो कारब से, उनके वालदैन से, उनके वकील से, किसी से तो मिलने दें। वो किससे रिक्वेस्ट करें, वो किससे इल्तजा करें? ठीक है सख्ती करें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तो इस बात को, मैं भी शामी साहब ने जो बात की है वॉइस मैसेज में, मैं इस बात को 100% जो है इस बात से एग्री करता हूँ। इसी तरह जी हसन नियाज़ी साहब जो हैं, उनके वाले से ये लिखा गया था कि हसन नियाज़ी और ज़ेरे हिरासत दीगर अफराद की जबरी गुमशदगी, हसन नियाज़ी और ज़ेरे हिरासत दीगर अफराद की जबरी गुमशुदगी और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की बाबत फौरी अपील, ये ट्विटर के ऊपर शेयर की है।
ये पोस्ट है हफीज़ुल्ला नियाज़ी साहब की, जिसमें वो ख़त है जिसमें कुछ नीचे बहुत से साथियों के नाम है, उसमें हसन नसार साहब हैं, मज़र लावरस साहब हैं, उसके बाद अरशाद अहमद आरफ साहब हैं, मुजीबुररहमान शामी साहब, हामिद मीर साहब, सैयद इमरान शफकत, इसार राना, हसन नसार साहब, चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब, नुसरत जवेद साहब, जवेद चौधरी साहब, मतलब सब ने जो है वो इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं और वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से ख़त लिखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि वो इस हवाले से नोटिस लें और पता चलाया जा सके कि ये जो मामलात हैं ये इस तरह से क्यों चल रहे हैं। देखें, ठीक है, आपको मैंने बताया ना कि आपको किसी से नज़रियाती या सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम जब ज़्यादती हो रही होगी तो हम आवाज़ उठाएंगे। मैंने इमरान रियाज की दफ़ा आवाज़ उठाई थी और इमरान रियाज के साथ जो हुआ मैंने कहा कि कानून के मुताबिक जो कुछ हुआ जिस तरह से हुआ ठीक है, अब उसको सजा देते हैं। मतीउल्लाह जान की दफ़ा मैंने आवाज़ उठाई, मैंने जो क्या नाम लेते हैं असद अली तूर साहब थे उनकी दफ़ा आवाज़ उठाई, मतीउल्लाह जान साहब, असद अली तूर साहब, इमरान रियाज खान साहब और अबसार आलम साहब, हामिद मीर साहब की दफ़ा जब हुआ था मैंने तब भी ये बात की थी। सर, आप किसी के साथ नज़रियाती और सियासी इख्तलाफ रखें लेकिन आप इस हद तक ना जाएं कि आप उसमें पर्सनल हो जाएं। पर्सनल नहीं होना चाहिए इंसान को। आप ठीक है, आप अपनी लिमिट्स में रहें, अपनी हदूद में रहें, वो एक अलग बात है। और दूसरी ख़बर ये है कि जी जो मैं अब आने जा रहा हूँ, दूसरी ख़बर जो सर्वेज़ हैं, देखें ये जो सर्वेज़ होते हैं ना, इन सर्वेज़ के ऊपर ना तो मुझे कोई यकीन है और ना ही आज तक मैंने इन सर्वेज़ के ऊपर कोई यकीन किया है। अब ये सर्विस कहाँ पर होते हैं, कौन से बंद रूम्स के अंदर, कौन से ड्राइंग रूम्स के अंदर होते हैं, कौन से जो है वो न्यूज़ रूम्स के अंदर होते हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगा। अब ये जो सर्वे आया है, ये गैलप सर्वे जी पाकिस्तान का जुलाई 2023 का, और इसमें कहा गया कि जी पाकिस्तान की फ़ौज की मकबूलियत में 88% इजाफा, सुभान अल्लाह, वेरी गुड, और सियासतदानों पर आवाम का एतमाद 39%, मतलब ये कम है या ये कह लें कि जी 39% है। तो ये जी इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो 88%, जुडिशरी 56%, मीडिया 56%, पाकिस्तान पुलिस 54%, पार्लियामेंट 47%, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 42%, पॉलिटिशियंस 39%। अब ये जो सर्वे है ना, गैलप सर्वे, गैलप पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है जो सर्वेस कंडक्ट करता है इलेक्शंस के वाले से भी, और जब इलेक्शंस आने हैं तो उसके बाद भी सर्वेस होने हैं, इलेक्शंस से पहले सर्वेस होने हैं कि जी किस हलके में, किस इलाके में, किस जो है वो सिटी के अंदर, कौन से जो है वो शहर के अंदर कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन से हलके में कौन सा उम्मीदवार तगड़ा है, ये सर्वेस होते हैं, तो ये करवाए जाते हैं। अब ये गैलप से पूछना चाहिए कि ये जो आप सर्वे कर रहे हैं जिसमें आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के सियासतदानों से भी ज़्यादा पजीराई दे रहे हैं, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरा इख्तलाफ सिर्फ जनरल बाजवा से और जनरल फैज से था, और मुझे उनके नज़रियात से इख्तलाफ था, मुझे उनकी आइडियोलॉजी से इख्तलाफ था। मैं उनको बतौर शख्सियत अगर क्रिटिसाइज करता हूं तो मैं इसलिए करता था कि सर उन्होंने इदारे को सियासत में इन्वॉल्व किया, मैं इसलिए क्रिटिसाइज करता था। अगर आज ये सर्वेस हो रहे हैं, इन सर्वेस की हकीकत क्या है, कोई ये मुझे बता सकता है कि ये सर्वेस कहां पर होती हैं, ये कौन करवाता है ये सर्वेस कंडक्ट, और फिर इसमें जी ये पता नहीं ये क्या अजीब, इसके ऊपर मैं क्या बात करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसके ऊपर क्या अल्फाज बोलूँ। गैलप वालों से पूछना चाहिए कि आप जो है वो फौज को आप सियासतदानों से कंपेयर कर रही हैं, भाई इसकी लॉजिक तो बताएं, इसकी रीज़न तो बताएं, हमें पता तो चले, इसकी रीज़न ही कोई नहीं है उनके पास। फिर उसके बाद जी इसमें लिखा हुआ है कि अक्रॉस नोटेबल पोलिटिकल फिगर्स इमरान खान रिसीव्स द हाइस्ट पॉजिटिव अप्रूवल रेटिंग एट 60%। पता नहीं सर है या नहीं है, मैं तो नहीं जानता। इमरान खान साहब की जी 60% पॉपुलरिटी, साद रिजवी 38%, परवेज अलाई 38%, शाह महमूद 37%, नवाज शरीफ 36%। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन शाह महमूद कुरैशी साहब उनसे आगे हैं, परवेज अलाई उनसे आगे हैं, साद रिजवी उनसे आगे हैं, मतलब ये क्या बोंडा सर्वे करवाया गया है यार, को समझ से बाहर है। मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ
कि वो एक पॉलिटिकल एंटिटी हैं, वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं, वो एक पार्टी के कायद हैं, उस पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं, उस पार्टी के कायदे मोहतरम हैं नून लीग के, और वो अगर शाह महमूद कुरैशी, अलामा साद रिजवी और चौधरी परवेज़ लाई से पीछे हैं, तो सर फिर इस सर्वे के ऊपर कौन यकीन करेगा? पाकिस्तान का कोई बंदा सर्वे के ऊपर यकीन कर सकता है? खैर, उसके बाद जी शबाज़ शिब साहब 35%, मरियम 30%, शाहिद काकान अब्बासी 28%, जहांगीर तरीन 26%। ये सब इनकी पॉपुलरिटी बता रहा हूँ कि इनकी पॉपुलरिटी के, फजलुरहमान 25%, मिफ्ता इस्माइल 20%, अल्ताफ़ हुसैन 19%, एमल वली 18%, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर 17%, असद उमर 9%, खालिद मकबूल सदीकी 9%। अब ये सर्वे कहाँ पर तैयार हुआ, ये किसने तैयार करवाया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि नुसरत जवेद साहब ने, सीनियर साफियाँ पाकिस्तान के और बर्मला के उनवान से वो कॉलम लिखते हैं, नवाए वक्त में लिखते रहे, तो जो नुसरत जवेद साहब हैं जी, उन्होंने इस सर्वे की हकीकत का बांडा फोड़ दिया, और पब्लिक न्यूज़ के ऊपर वो प्रोग्राम कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मैंने जुलाई में ही बता दिया था कि यह सर्वे परवेज़ लई की फरमाइश पर हुआ था, ये सर्वे परवेज़ लई की फरमाइश पर हुआ, इसका मतलब कि फिर ये रिजल्ट्स तो तरीके साहब ने तैयार करवाए ना, फिर तो इसमें कोई शक नहीं रहा, फिर अकेड़ा बंदा मनेगा कि जी यह सर्वे बड़ा चंगा है, यह सर्वे एक नंबर एक है, कोई इस बात को तस्लीम करेगा? कोई भी नहीं करेगा। आप कैसे कह सकते हैं भाई ये सर्वे एक नंबर है? मैं तो नहीं कह सकता, मेरे जैसा बंदा तो नहीं इसको एडमिट कर सकता। तो सर ये जो सर्वे है ना, जिनमें पॉलिटिकल एंटिटीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान के जो है वो इदारे, पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, ये तमाम जितनी भी शख्सियात हैं, जितने भी सियासतदान हैं, ये जिन जिन लोगों से मुतल्लिक ये सर्वेज होते हैं, मुझे इन सर्वेज के ऊपर 1% भी एतबार नहीं। अगर सर्विस करवाने हैं तो सर कोई तरीके से करवाएं, को पता चले। ये तो ऐसा लग रहा है जिस तरह कोई आपने कॉपी पेस्ट चीज़ उठाकर लोगों को दिखा दी है, और इस पर कौन यकीन करेगा भाई? कोई बंदा इस पर यकीन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो ये दो खबरें थी जो मैंने आपसे शेयर की, अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगेबान।